बॉर्डर बटालियन को लेकर सरकार की नोटिफिकेशन आई है जिसमें कहा गया है कि जो युवा है वो आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ये तमाम युवा जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे पूछेंगे क्या वजह आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? सर एक्चुअली 2019 में हमारी रिक्वायरमेंट होती है JKP की, J&K पुलिस की, 3 साल हो गए रिटर्न नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मेरे बराबर की एज की जो लड़कियाँ जिन्होंने बाकी फोर्सेस में अप्लाई किया था फॉर्म, वो भी ट्रेनिंग सेंटर में है और हम लोग घर पे बैठे हैं। स्ट्राइक करो तो ये बोलते सड़कों में नहीं आओ, सड़कों यहाँ पर कौन देखेगा हमें, इनको पता सड़कों में लोग देखेंगे तभी ये बोलते हमें, खुद जो यही जॉब कर रहे हैं इनको पता नहीं कि हम 3 साल से खज्जल हो रहे हैं घर पे बैठ के। मैं 12th में थी जब मैंने फॉर्म लगाया था, मेरी ग्रेजुएशन हो गई, मैं मास्टर कर रही हूँ, सोचो कितना टाइम हो गया। जो बॉर्डर बटालियन को लेकर नोटिफिकेशन आई है उसको उसके पर्पज के लिए इकट्ठा हुए हैं आप? हाँ जी उसी के लिए हम चाहते हैं हमारा पेपर 1 महीने के अंदर अंदर हो जाए। 3 साल हुए हमें वेट करते करते, अभी तक हमारा पेपर नहीं हुआ। जो दूसरी भी इन बॉर्डर बटालियन हमारे इस बीच में ऐड कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो ना करें, उनके लिए अलग से पोस्टर निकाले और हमारे 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाए। हम और कुछ नहीं चाहते, इसलिए हम वेट पर निकले हुए कि 1 महीने के अंदर अंदर पेपर हो जाए। हम जम्मू के हैं, आरएसपुर बॉर्डर, हम बॉर्डर से आए हैं सर। SI का फॉर्म निकले अभी, उनके भीतर 1 महीने पे डेट आ गई एग्जाम डेट, हमारी एग्जाम डेट नहीं आई है इनकी, हमारी एग्जाम डेट इन्होंने निकाल के राजी नहीं है। SI की एग्जाम डेट निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि इनको पता है हमें इनको हमें इन्होंने हमें पागल समझ के रखा हुआ है, इनको पता हम बोलेंगे नहीं कुछ। नहीं, नोटिफिकेशन आई है, आपने उस नोटिफिकेशन को पढ़ा, उसमें क्या करा आपके लिए कुछ उसमें रखा गया? इसके कारण हम यहाँ पे पढ़ा है, उसमें उनका कहना है कि आपने जो हम फॉर्म फिल करके क्वालिफाई करके सब कुछ यहाँ पे बैठे हुए, हमें वो फिर से करना पड़ेगा और सेम वैकेंसी, और उनने सबके लिए अगर हमें ऐसे ही करना था तो हम वापस से क्वालिफाई करें, क्यों हमने चीजें क्वालिफाई करके यहाँ पे बैठे और अब कह रहे हैं कि आप फिर से सेम चीजें करो। हाँ, किसकी कॉल पे इतने सारे ये आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या आप लोगों से पहले पर्सनल वायलेंटली हम आए हैं यहाँ पर? पहले से आप लोग चल रहे हैं या आप लोग अपने पहले भी स्ट्राइक की है? 3 दिन पहले हम पूरा अंदर गए थे, पूरी जगह हमने बोला, किसी ने कोई नहीं लिया, कोई बात ही नहीं सुन रहा है, इसलिए आज हम खड़े हुए हैं। सर हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ से आए हैं। सर हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो हमारा फिजिकल हुआ है, अब हमारा एग्जाम होना था और इन्होंने किया, एक मिनट सर, हमारा एग्जाम होना था, इन्होंने एक न्यू नोटिफिकेशन निकाल दी कि अब न्यू लड़कों का फिजिकल होगा, ऑनलाइन फॉर्म लगेंगे और उनका फिजिकल हमारे साथ होगा। सर हम 4 साल से बेवकूफ़ बन रहे हैं, ये कौन सा मजाक हुआ? अच्छे दिन आ गए, कौन से अच्छे दिन है? सर हम ओवर एज हो गए, हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आता, ओवर एज हो गए सर हम 20। और एक बात और, जितने भी हमारे लड़के उठाए गए हैं उनको रिहा करो, साले पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लड़के उठाए हैं। कॉल थी, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या इसके लेकर आप लोगों ने पहले से कोई तैयारी कर रखी थी, एक दूसरे को बता रखा था या एकदम से खुद ही मीडिया के थ्रू बताया गया था कि अगर हमारी मांग नहीं की, मांग पूरी नहीं हुई तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ? सर हमने पहले भी इससे पहले बहुत बार प्रोटेस्ट किए, पीसफुल प्रोटेस्ट, हम बहुत सारे मिनिस्टर के पास भी गए लेकिन उन्हें हमारी बात नहीं सुनी। जब 3 दिन पहले उन्हें न्यू नोटिफिकेशन निकाली कि नई हमारी नई रिक्रूटमेंट होगी और आपको उनके साथ एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा सर, लेकिन इनको नहीं पता जो हमारे ये जो सर बच्चे, ये समवन फ्रॉम ए प्योर फैमिली एंड मैक्सिमम फ्रॉम ए प्योर फैमिली, ये कौन से ना सर सर इंसाफ दस्तावेज आपके पास ये? सर ये साढ़े राजा साहब और साढ़े PMO साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये साढ़े गांधीनगर दे, ये सर वैकेंसी लैके आए हैं 2018 में, वैकेंसी नहीं हो लॉलीपॉप सी, वो अजे तक घुमा रहे पूरे जम्मू बार्डर से, वो लॉलीपॉप दोबारा दिल्ली गया, हम दोबारा फ्रेश करके बोल रहे नई भर्ती होएगी। अगर साढ़े राजनाथ साहब इन्हें झूठ झूठ बोल सकते हैं तो इन्हें जम्मू के मिनिस्टर का की होगा सर, थोड़े सामने सर 60% रिजर्वेशन जो है बॉर्डर बेल्ट के लोगों के लिए रखी गई है। जी सर अभी भी वैसा ही क्राइटेरिया जो नया अभी वो तो सेम है, लेकिन नई बच्चे ऐड कर रहे हैं, दो मसील वालों को ऐड कर रहे हैं। प्राथमिक फिट है ना, हम वो ने हमारा एग्जाम होना था, अभी रिटर्न एग्जाम होना था, इन्होंने नोटिस भी निकाला था कि थोड़े दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, जय देखो दिनेश राणा साहब ने नोटिस निकाला था कि थोड़े दिन में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, अगस्त की बात है इधर लिखा हुआ है, हाँ जल्दी एग्जाम हो जाएगा। अब कहाँ गए इनके वादे, अगर IPS IAS ऑफिसर ही ऐसे करेंगे, झूठे वादे करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैसी सरकार है जी? आगे के लिए क्या सोचा है फर्दर? अगर करेंगे सर कैड में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम अपना, अगर इधर वाले नहीं सुनेंगे हम यूपी में जाएंगे, इनके लिए कई लोगों को बताएंगे। बटालियन के लिए कुछ आंकड़ा है कि कितनी भर्ती करनी है, कितना सर? 15-16 हज़ार मतलब कि बच्चे जो फिट हुए हैं, इसमें 1300 1350 लड़कियाँ, 1300 मतलब कि लड़के हैं,
हाँ अभी और बच्चे ऐड कर रहे हैं, इलेक्शन पास आ रही है, नए बच्चों को मतलब दोबारा लॉलीपॉप देना चाहते हैं, बताने के लिए हम भर्ती कर रहे हैं। 4 साल से भर्ती नहीं हुई अभी तक आपके सामने सर। फिजिकल हुआ है, 4 साल से प्रोसेस चल रहा है जिसको लेकर ये यहाँ पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग फिजिकली फिट हैं, हमारे को रिटर्न एग्जामिनेशन देने को कहा गया था कुछ समय में ही, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अपने दस्तावेज़ों के साथ यहाँ पर ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं बॉर्डर बटालियन के हैं, युवतियाँ भी हैं अलग अलग बॉर्डर के एरिया से आई हुई हैं, और क्योंकि 60% जो रिजर्वेशन है वो बॉर्डर बेल्ट के बच्चों के लिए ही रखा गया है, क्योंकि ये बॉर्डर बटालियंस बननी है ताकि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बॉर्डर से जुड़े हुए इलाके हैं, वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके। लेकिन फिलहाल जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें दोबारा से आवेदन देने को कहा गया है, जिसको लेकर ये लोग रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और सारा वोट बैंक के लिए किया जा रहा है कि इलेक्शन पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो युवा हैं ये इकट्ठा हुए हैं, हालांकि एक और जो सरकार लगातार वो ये कह रही है कि भीड़ गैदरिंग ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है कहीं कोई भी ऐसी कह सकते हैं कि सामाजिक जगह पर, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उसकी परवाह ना करते हुए यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनके ये कह रहे हैं कि हमारे भविष्य का सवाल है और सरकार हमारे भविष्य के साथ खेल रही है। कुछ युवाओं ने यहाँ पर उग्र प्रदर्शन भी किया, वो यहाँ पर जब सड़क बंद करने लगे तो पुलिस ने कुछ इनके साथियों को जो है वो यहाँ से लेके भी जाया गया है, उसके भी विरोध में ये लोग कह रहे हैं कि हमारे साथियों को छोड़िए अन्यथा हम यहाँ पर यहीं बैठे रहेंगे, यहाँ से हम नहीं लेंगे। विजिलेंस शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल से टाइम जमा।